हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जय एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक नई एक्टिविटी लेके आई हूँ जिसका नाम है वॉल हैंगिंग। मेरे साथ ये ऐसी वॉल हैंगिंग एक्टिविटी बनानी है। एक सीज़र चाहिए और ये डबल टेप और स्केच पेन और ये सैटिन रिबिन और कुछ इस प्रकार की कलर शीट्स। अब हम आज ब्लू, येलो और पिंक पेपर से वॉल हैंगिंग के फ्लावर्स बना के यह एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले पिंक पेपर की एक शीट लेते हैं, फिर उसको ऐसे टर्न करते हैं, उसको ऐसे कट कर देते हैं, ऐसे ट्रायंगल शेप में बना लेते हैं। ठीक है, फिर हमको उस ट्रायंगल को और एक बार मोड़ लेना है। ठीक है, वो ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखेगा और इस ट्रायंगल को हमको एक बार और मोड़ लेना है। वॉल हैंगिंग बनाने के लिए हमको फ्लावर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमको ऐसे स्क्वायर को तीन बार मोड़ के ट्रायंगल बनाना है, फिर उसको ऐसे कर्व में काटना है, फिर इस कर्व पर थ्री लीव्स ड्रॉ करनी है इस तरह से, और इस थ्री लीव्स को हमको सीजर से कट करना है। ऐसे पंखुड़ी के शेप में इनको कट कर लेना है, तो ये इस तरह से खुल के हमें मिल जाएगा। ये शेप में हमको मिल जाएगा। छः पीसेस बनाने हैं और फिर उनको फ्लावर में अरेंज करना है। ठीक है, मैंने अभी ये सर्कल बना लिया है। आपको जैसे सर्कल बनाना सिखाया है वैसे ही बनाइए। अब मैंने ये सर्कल बना के रेडी है मेरा, तो मैं इस पर भी ऐसे ही लीव्स बनाऊंगी। इस पर भी हमको थ्री लीव्स बना लेनी है, इन थ्री लीव्स को कट करना है। डिफरेंट साइज के शेप्स बना लेने हैं, फिर इनको मोड़ लेना है इस कुछ इस तरह से। हमने ये जो फ्लावर शेप बनाया है ऐसे बीच में से मोड़ लेना है, ऐसे मोड़ लेना है, फ्लावर के लिए हमें पंखुड़ी का आकार मिल जाएगा। देखो बच्चों, सभी फ्लावर हमको ऐसे रेडी करना है। ऐसे स्केल की हेल्प से हमको इसको टर्न करके सभी फ्लावर को इस तरह से टर्न कर लेना है और फिर बीच में से एक पंखुड़ी हमको निकाल लेनी है। देखिए इस तरह से हमें यह बीच में से एक पंखुड़ी निकाल लेनी है, फिर इसको हमको ग्लू से चिपका देना है। ये फ्लावर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, हमें इसी प्रकार से छह पीसेस चाहिए जो हमको अभी रेडी करने हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे सारे फ्लावर्स के पंखुड़ियाँ बन के रेडी हो गई है। एक फ्लावर तैयार करना है, जैसे मैंने सबसे बड़ी वाली पंखुड़ी ले ली है, उसके बीच में हमको ग्लू लगाना है और उससे थोड़ी छोटा पीस लेना है और कुछ इस तरह से हमको लगाना है। देखिए, हाँ, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, एकदम ये दोनों पंखुड़ियों के बीच में दूसरा पत्ता लगना चाहिए। ठीक है, फिर और इससे छोटा फ्लावर लगाते हैं। देखिए इस तरह से हमने उससे छोटा भी लगा दिया और भी उससे छोटा एक फ्लावर लगाते हैं, उसमें बीच में ग्लू लगा देते हैं और इससे एक छोटा इसके बीच में अरेंज करते हैं और एक दो छोटे हमको इसमें लगाने हैं। इस तरह से ग्लू लगा के बीच में
हमको और एक पत्ती जोड़ देनी है और इसमें एक और जोड़ देनी है। तो हमारा फ्लावर कुछ इस तरह से बनके रेडी हो जाएगा। देखिए बच्चों, पांच पीस बना के रेडी करने हैं, जो हमारे वॉल हैंगिंग में पांच पीस हमको लगाने हैं। और फूल के बीच में हमको एक गोल डॉट लगाना है, ब्लू पेपर शीट से हमें निकालना है। ऐसे हमको बीच डॉट लगाने के लिए ब्लू पेपर शीट चाहिए। हमें ऐसा टुकड़ा निकाल के फूल के बीच में लगाने के लिए हमको एक छोटा सर्कल बना लेना है, या तो आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा छोटा सर्कल हमको बना के फूल के बीच में लगा देना है। इस तरह से फूल के अंदर के साइड हमको यह सर्कल लगा देना है, तो ये फूल के अंदर का डॉट दिखाई देगा। ठीक है, अब इस फ्लावर में हमको बीच में ऐसी लाइन लगा देनी है स्केच पेन से। देखिए, ये हमारा फ्लावर रेडी हो गए। हमें ऐसे पांच फ्लावर रेडी करने हैं। देखो बच्चों, मैंने ये पिंक कलर के और येलो कलर के फ्लावर रेडी कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे पिंक और येलो कलर यूज़ किया है। आप कोई भी डिफरेंट कलर के फ्लावर बना सकते हैं। देखो बच्चों, हमको वॉल हैंगिंग में लगाने के लिए ऐसा एक कोन शेप भी बनाना है, जो ऐसे ही सजाने के लिए अच्छा लगेगा। देखो, तो उसके लिए हमको एक स्क्वायर शेप लेना है शीट का। मैं यहाँ येलो कलर का ले रही हूँ और इसको ऐसे मोड़ देना है। फिर मोड़ के इसको यहाँ से ग्लू लगा देना है और ये हमको ऐसा कोन शेप मिल जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने ये कोन बना के रेडी किए हैं। आपको जितना लंबा वॉल हैंगिंग चाहिए उतने आप ये कोन बना सकते हैं। वॉल हैंगिंग अरेंज करने के लिए हमको ऐसी सैटिन रिबन चाहिए। इस तरह डबल टेप से पैक कर देना है पीछे से, जिससे कि हम उसको कहीं पे भी हैंग कर सकें। तो हमें कटर की हेल्प से इसको कट करना है। ये सैटिन रिबन को ऐसे मोड़ के पीछे की तरफ ऐसे टर्न कर देना है और पीछे डबल टेप से चिपका देना है। ठीक है, ओके। ऐसे हम कहीं पे भी हमारा वॉल हैंगिंग हैंग कर सकते हैं इस तरह से। फिर हमको सारे फ्लावर को यहाँ अरेंज करना है। देखो बच्चों, अब हमको ये फ्लावर ऐसे ये स्ट्रिप पे अरेंज करने हैं। तो इसके लिए हमको डबल टेप यहाँ लगा के यहाँ से कट कर देना है थोड़ा सा। फिर ऊपर से ये टेप निकाल के उस पर फ्लावर लगा देना है। देखो, कुछ इस तरह से ये फ्लावर लग जाएगा। ठीक है, फिर हमको सारे फ्लावर इसी तरह से लगाने हैं। देखो बच्चों, मैंने सारे फ्लावर लगा के रेडी कर दिए हैं। अब हमको कोन चिपका देने हैं वहाँ पे। तो कोन भी हमको डबल टेप की सहायता से ही चिपकाने हैं। तो हम और ऐसे बीच बीच में थोड़ा डबल टेप लगा लेते हैं और यह कोन भी अरेंज कर देते हैं यहाँ पे। तीन कोन लगाए हैं नीचे और फिर ये दोनों फ्लावर के बीच में दो कोन और ये दोनों फ्लावर के बीच में दो कोन, ऐसे अल्टरनेट हमको कोन लगाने हैं। जैसे मैंने इधर येलो लगाया है और इधर पिंक, तो हमको अभी ये साइड में पिंक लगाना है और ये साइड में येलो लगाना है। यहाँ पर डबल टेप लगा के हमको ये कोन लगाने हैं। देखिए, इस कुछ इस तरह से लगाने हैं और फिर ऊपर भी ऐसा ही करना है। देखो बच्चों, मैंने ये वॉल हैंगिंग रेडी कर दिया है। देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और
अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और निर्जय एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।